तो बच्चों आज की इस वीडियो का टॉपिक है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों मैं आपको बता दूं पहले ही कि पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वो इस साल हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है वो एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन इसीलिए अगर ये बोला जाए कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के आने के चांसेस बढ़ गए हैं, ये गलत बात नहीं। बच्चों मैं आपको बता दूं, इससे पहले जितने भी एग्जामिनेशन 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ था, अगर मैं 10 में काउंट करूं बच्चों, तो 9 बार तो कंफर्म पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में पूछा गया है ही है। लेकिन क्योंकि इस साल पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वो उसको रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के आने का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ गया है। सो बिना पढ़े कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को आप एग्जाम में बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसके आने के चांसेस 99% है इस बार एग्जाम में, पूरा का पूरा प्रूफ करने के लिए दिया जाए। तो चलिए कन्वर्स स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या देखा था। पाइथागोरस थ्योरम में बोला गया ये था बच्चों कि किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, मान लो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये राइट एंगल है मान लेते हैं पी पर, तो जहां पर राइट एंगल बन रहा है, अगर मान लो ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जहां पर राइट एंगल बन रहा है उसके अपोजिट साइड का जो स्क्वायर है, यानी कि एंगल बी का जो अपोजिट साइड यानी ए सी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। ये हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम में। बाकी दोनों साइड यानी कि एक साइड है हमारे पास ए बी जो बच गया है और दूसरा साइड है हमारे पास बी सी जो बच गया है, इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो। यानी कि हमारे पास पहले से गिवन में क्या था पाइथागोरस थ्योरम में, कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो हमको पहले बोल दिया गया था गिवन में। और जो प्रूफ करना था, टू प्रूफ में अगर हम लोग देखें तो टू प्रूफ में हम लोग लिखते थे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ करना था। लेकिन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, जो टू प्रूफ था इसमें वो बन जाएगा गिवन और जो गिवन था वो बन जाएगा टू प्रूफ। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के स्क्वायर का सम, चलो मान लेते हैं हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और कुछ समय के लिए हम लोग ये मानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो इस साइन का कोई मतलब नहीं है। अब मान लेते हैं कोई एक ट्राइंगल है ये, और इस ट्राइंगल में मान लेते हैं कि ए सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर यानी इस साइड का जो स्क्वायर है वो बराबर है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, यानी बाकी दोनों साइड यानी कि ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के। अगर ये है तो ये कंफर्म बात है कि ये जो ए सी है, ये जो पहला साइड हमने लिखा है, उस साइड के अपोजिट में जो एंगल बन रहा है वो एंगल राइट एंगल होगा। यानी कि इस बार हम लोगों को गिवन में एक ट्राइंगल दिया गया है, अ ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हम लोगों को गिवन में बोल दिया गया। और इस बार हम लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला गया है, तो प्रूफ में हम लोगों को लिखना है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो ये थी गिवन और टू प्रूफ की बात। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है वो एग्जामिनेशन में हम लोगों को दो प्रकार से पूछ सकते हैं। एक प्रकार में तो आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि भैया इसका जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ही आप लोगों को गिवन कर दिया जाएगा यानी दे दिया जाएगा और बोला जाएगा प्रूफ करने के लिए। या फिर कभी कभी हम लोगों को क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलता है स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो उस कंडीशन में आप लोगों को स्टेटमेंट बिल्कुल से याद होना चाहिए। सो इस थ्योरम का आप लोगों को स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा, बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट को याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, इन एनी ट्राइंगल, हम लोग किसी ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन एनी ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई
कोई भी एक साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में हमको ये नहीं पता है कि ये राइट एंगल है, उस ट्राइंगल में ये हमको पहले से पता है कि एक साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर। यहां पर देखिए मैंने छोटा सा मिस्टेक कर दिया था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड, अपोजिट टू फर्स्ट साइड। फर्स्ट साइड मतलब ये एसी को हमने पहला साइड माना था, इसी का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो इस साइड के अपोजिट में जो एंगल बन रहा है यानी ये जो एंगल है, एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको क्या कर लिए हैं, याद कर लिए हैं कि भैया हमारे पास मान लेते हैं कोई एक ऐसा ट्राइंगल है जिनके एक साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो जो पहला साइड है उस पहले साइड के एंगल में जो पहले साइड के अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो एंगल राइट एंगल होगा। ये हम लोगों को क्या करना है, अब प्रूफ करना है। तो ये स्टेटमेंट था, ऊपर में मैंने गिवन लिख दिया है और नीचे में टू प्रूफ भी मैंने लिख दिया है। अब बच्चों हम लोग आते हैं प्रूफ। सो प्रूफ करने से पहले बच्चों इसमें हम लोगों को छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करना है। सो कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे और वो ट्राइंगल को हम लोग बनाएंगे राइट एंगल, ये याद रखिए। सो अब मैं जो ट्राइंगल बनाने वाला हूं बच्चों वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था तो इस साइन का कोई मतलब नहीं है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं। अब मैं जो ट्राइंगल बना रहा हूं वो राइट एंगल ट्राइंगल बनने वाला है। इस प्रकार मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का चलो हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ये पी क्यू आर है। सो हमने क्या बनाया है, अ राइट एंगल ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन में अ राइट एंगल ट्राइंगल, अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल्ड एट क्यू, क्यू पर ये राइट एंगल है, सच डैट इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको ध्यान रखना है, सच डैट पी क्यू जो है यानी ये जो पी क्यू का जो लेंथ है वो ए बी के बराबर होना चाहिए। ये बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, भाई हम लोग ए बी को नाप लेंगे, क्यू एक राइट एंगल बना देंगे और पी क्यू को इतना ही बड़ा बनाएंगे जितना बड़ा हमारा ए बी है, यानी पी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी के। और साथ ही साथ ये जो क्यू आर का जो लेंथ है वो बी सी के बराबर, सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए बच्चों अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग देखूं, अब मैं स्टार्ट करता हूं प्रूफ। प्रूफ में अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो गया है और बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर हो गया है। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो इसको लिख सकते हैं पाई कंस्ट्रक्शन। अब अगर तीसरा साइड भी बराबर हो गया बच्चों तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्यूरेंट हो जाएंगे, और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्यूरेंट हो जाएंगे तो इसके सभी साइड और सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। यानी अगर एंगल क्यू 90 डिग्री है तो बी भी 90 डिग्री बन जाएगा। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों को कॉन्ग्यूरेंट प्रूफ करने वाले हैं। देखिए कैसे कॉन्ग्यूरेंट प्रूफ होगा। हमको पता है बच्चों कि ए सी जो स्क्वायर है वो बराबर दिया है किसके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ये तो हम लोगों को गिवन था, दिया था शुरू से ही ना, ये गिवन था।
अब देखिए बच्चों, अगर मैं दूसरे ट्राइंगल को देखूं, ट्राइंगल पी क्यू आर को अगर देखूं, तो ट्राइंगल पी क्यू आर तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो पक्का लगेगा ही लगेगा। ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया था कि किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर राइट एंगल बन रहा है उसके अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों इस साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि यहां पर अगर मैं पी आर का स्क्वायर करूं तो वो बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब मेरे को यहां पर देखिए पी क्यू जो था वो ए बी के बराबर था, तो इस पी क्यू के जगह पर मैं ए बी पुट कर सकता हूं, तो ये ए बी का स्क्वायर हो गया। ये क्यू आर जो था वो बी सी के बराबर था, तो क्यू आर के जगह पर मैं बी सी पुट कर सकता हूं, तो ये बी सी स्क्वायर हो गया। तो यहां पर देखिए बच्चों पी आर स्क्वायर भी किसके बराबर हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। और यहां पर देखिए बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर था, ये तो ए सी स्क्वायर के बराबर था। यानी कि अगर मान लो मैं इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दूं और इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दूं, तो ये कन्फर्म पता चल रहा है कि ए सी स्क्वायर जो है वो पी आर स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। तो ये देखिए हमने ए सी और पी आर को बराबर प्रूव कर दिया। सो बाई साइड 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 ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्यूरेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यही हम लोगों को करना था। और अगर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्यूरेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के। कैसे, बाई सी पी सी टी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल क्यू को तो आपने पहले से ही बोल दिया था कि वो 90 डिग्री है, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और नीचे में हम लोग लिख देंगे इज्जत से हैंस प्रूव, क्योंकि यही हमको प्रूव करना था बच्चों, देखिए टू प्रूफ में कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। बच्चों इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये बात भी मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूं, ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे नहीं जाते। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन में मान लो हमको दे दिया है 3 4 5, ये तीन साइड हम लोगों को दे दिए हैं ट्राइंगल, और अगर हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है प्रूफ करो, या तो हमको ये बोला गया है कि चेक करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे जो सबसे बड़ा साइड दिख रहा है यानी 5, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे और उनका सम कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये मिल गया 25। और अगर ये दोनों बराबर है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक ट्राइंगल में अगर कोई एक साइड के का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा, तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। क्लियर हो गया होगा शायद आप लोगों को। और इस चैप्टर में बच्चों यही हमारा आखिरी कंसेप्ट था, इससे पहले जितने भी कंसेप्ट मेरे को बताने थे मैं सारे के सारे वीडियोस में बता चुका हूँ आपको। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।